चलिए शुरू कीजिए। तो इस वार्ता में उपस्थित हमारे सोशलिस्ट पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय पन्नालाल शर्मा जी, पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष संदीप पांडे जी, डॉक्टर संदीप पांडे जी, हैदराबाद से सोशलिस्ट पार्टी के हमारे अध्यक्ष एडवोकेट मदना शर्मा जी, और यहाँ हम प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद हैं डाल साहब, यही महासचिव भाई राजीव गांधी जी हमारे साथ मौजूद है, बांकेलाल यादव जी, अजीम शाह आरोपी साहब, और हमारे यहाँ बिल्कुल ये तमाम हमारे साथी मौजूद हैं। वही हमारे शुभचिंतक साथी भाई चमन चमनलाल सैनी मौजूद हैं। आज इस प्रेस वार्ता में बिल्कुल विधानसभा से सोशलिस्ट पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर मैं गौतम कुमार बेहतर एक उम्मीदवार हूँ, एकमात्र उम्मीदवार बिहार विधानसभा का एक प्रयोग है समाजवाद का, सोशलिज्म का, समता का, न्याय का, समाज के न्याय का, जहाँ पिछले अखिलेश से लेकर के तमाम लोगों की किसी भी के साथ किसी प्रकार का भेदभाव अन्याय नहीं हो। देश माता आज हम सब उपस्थित है, आपको बता दें सबसे पहले कि सोशलिस्ट पार्टी ने पटना के एक प्रेस में पीडीए गठबंधन में शामिल हुआ था। पीडीए गठबंधन में शामिल होने के बाद हमारे पार्टी में एक गहरी मीटिंग हुई और उस मीटिंग में कई तरह के सवाल आए और अंततः सर्वसम्मति से पीडीए गठबंधन में शामिल होने पर सभी लोग तैयार हो गए। लेकिन 13 तारीख को सोशलिस्ट पार्टी के तरफ से उम्मीदवार के रूप में गौतम कुमार प्रीतम ने यहाँ पर अपना नामांकन दर्ज किया और पीडीए का नेतृत्व कर रहे पप्पू यादव राजस्थान और पप्पू यादव उन्होंने गठबंधन का दर्द नहीं माना और अपना यहां से करने के दो दिया। आज सोशलिस्ट पार्टी स्वतंत्र रूप से बिहार विधानसभा के इस चुनाव में 2020 के चुनाव में द्वितीय चरण का मतदान 3 नवंबर को होना है, उसकी तैयारी में हम लोग यहाँ बैठे हैं। हमारे सोशलिस्ट पार्टी के शुभचिंतक और बिहारी मंच के पूरी टीम यहाँ पर मौजूद है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम देश भर के तमाम ऐसे आंदोलनकारी साथी जो एक्टिविस्ट हैं, पत्रकार हैं और खास करके जो समाजवादी विचारधारा को स्थापित करने वाले बुद्धिजीवी हैं, उन तमाम लोगों से हम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कहना चाहते हैं कि बिहार में सोशलिस्ट पार्टी का प्रयोग चल रहा है। पिछले वर्ष भी हम लोग यहाँ से चुनाव में खड़े हुए थे, बतौर छह विधानसभा से थे, लेकिन जब पंजीवाद का अरे गौतम भाई हस्तक्षेप कर रहा हूँ, ये माइक की वजह से कुछ कुछ इसकी जो आवाज है वो गूंज रही है, एक बार बिना माइक के जरा बोलिए। पंखा यहाँ तुम वहां से
हम जब बोले कुछ कर रहे हैं। अब मेरी आवाज आ रही है? आप ज्यादा स्पष्ट कर सकते, ज्यादा स्पष्ट मेरी साथी आवाज आ रही होगी। पीछे क्या आवाज है ये? हमको लग रहा है साउंड सिस्टम को छोड़ दीजिए आप। थोड़ी सी तकनीकी बाधा होने के वजह से माइक म्यूट करिएगा। अच्छा मैं म्यूट करता हूँ। हाँ जी, हाँ वो वहां से कुछ प्रॉब्लम था आपके यहाँ से जो है। जी जी साथी, तो मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से यही कहना चाह रहा हूँ। आप क्यों ऑन कर दिए? आप ऑन रखिए ना वहां से। नहीं, वहां बंद कर तो देश भर के तमाम बुद्धिजीवी सब ये दोनों की वजह से। बोलिए, आप बोलिए, नॉर्मल बोलिए साथी। अच्छा, मेरी आवाज ठीक ठाक आ रही होगी? मैं अब आवाज आ रही है? हाँ, पहले आप बोलिए तब पता लगेगा ना कुछ। नहीं, थोड़ा दिक्कत है, जरा कुछ बोलिए। आवाज आ रही है ठीक ठाक? हाँ, अब ठीक है, अब ठीक है, अब ठीक है। तो मैं अपील करना चाह रहा था बिहार के तमाम बुद्धिजीवी से और देश के तमाम ऐसे बुद्धिजीवी से जो इस देश के अंदर सांप्रदायिकता के सवाल पर लड़ते हैं, जो समता और न्याय को लेकर लगातार संघर्ष करते हैं, जो इस देश के अंदर आर्थिक गैर बराबरी समाप्त करना चाहते हैं, रंगभेद का गैरबराबरी समाप्त करना चाहते हैं, जो लिंग भेद है, तमाम तरह के जो अन्याय है, जो समाजवादियों का एक धारा रहा है, हम किसी प्रकार के अन्याय को नहीं सहेंगे। तो ऐसे दौर में हम आप सबसे आग्रह निवेदन करेंगे कि बिहार के अंदर यह एक प्रयोग चल रहा है और बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश के अंदर जितने भी समाजवाद विचारधारा के साथी है वहां तक हम लोग अपनी बात को पहुंचाना चाह रहे। आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भागलपुर जिला के अंदर जो पूरी टीम है वो लगातार काम कर रही है। हम लोग इस बिहपुर विधानसभा में जहां 240 बूथ है, 253,546 मतदाता है, 1,20,000 महिला है और उसके 60% नौजवान है। लेकिन नौजवानों की स्थिति ये है इस पूरे लॉकडाउन के वजह से और कुछ पहले से भी जब यहाँ कोई रोजगार नहीं है, बेरोजगारी है, तो ये यहाँ से प्लान कर जाते हैं और देश के विभिन्न शहरों में जाकर के मजदूरी करने पर मजबूर होते हैं। बिहार की सरकार लगातार कह रही है कि न्याय के साथ हम विकास कर रहे हैं, लेकिन न्याय के साथ विकास नहीं हो रहा है। अगर न्याय के साथ विकास होता तो यहाँ महिला उत्पीड़न, दलित उत्पीड़न, जो अति पिछड़ा है उसके साथ उत्पीड़न हो रहा है और खास करके जो यहाँ अल्पसंख्यक समुदाय है उनके साथ भेदभाव जबरदस्त तरीके से हो रहा है। आज मैं जिस बिहपुर
विधानसभा से अपनी बात रख रहा हूँ, त्रिपुर विधानसभा के लिए स्थिति है। यहाँ पे आए दिन दलितों पर अत्याचार होता है, आए दिन सांप्रदायिकतावादी जो संगठन है, पार्टी है, वो आए दिन इसको टारगेट करता रहता है। यहाँ हमेशा अगले और पिछड़े की पॉलिटिक्स होती है, उसकी लड़ाई होती है और किसको हराना है, किसको जिताना है, महज मात्र ये पॉलिटिक्स होती है। बीरपुर विधानसभा मक्के का बड़ा उत्पादक क्षेत्र है। बीरपुर विधानसभा के अंदर आम लीची का बड़ा उत्पादन होता है, सब्जी की बड़ी खेती होती है। लेकिन इस बीरपुर विधानसभा में ये बहुत ही दुखद बात है कि एक कोल्ड स्टोर नहीं है, एक भी यहाँ पर गोदाम नहीं है और रेलवे का भी स्थिति सही नहीं है, यहाँ बस स्टैंड नहीं है, ना ही कृषि उद्योग, कृषि उत्पादन के आधार पर कोई उद्योग है। और सबसे शर्मनाक बात यह है, जिसके तमाम बुद्धिजीवियों से कहना चाहता हूँ और बिहार के जो मुख्यमंत्री 15 साल से है और पिछले 15 साल जिसे जंगल राज कहा गया उनकी सरकार का भी, कि पिछले 30 साल के अंदर में इन लोगों ने जो सामाजिक न्याय के धुरंधर है, जो पिछड़ों की पॉलिटिक्स करते हैं, इन लोगों ने बीरपुर विधानसभा की सुध नहीं ली। यहाँ एक भी महिला कॉलेज नहीं है, एक भी महिला कॉलेज नहीं है, और पुरुष कॉलेज अगर है तो सिर्फ एक प्रखंड में, नारायणपुर में, जबकि खरीक और बीरपुर में होना चाहिए था, लेकिन आज तक नहीं हुआ। पूरा का पूरा यह क्षेत्र गंगा और कोसी के कटाव में घिरा रहता है। आए दिन लोग इस भूमि से विस्थापित हो रहे हैं, कोई रेलवे किनारे पर रहने में मजबूर है तो कोई बांध पे रहने में मजबूर है, और अगर किसी का घर वो सब कट गया तो प्रदेश में जाकर के शरण लिए हुए। लेकिन इसका सुर आती जाती यहाँ की जो राजद की के विधायक रहने वाले हो या फिर भाजपा के विधायक रहने वाले हो या 15 साल यहाँ के कम्युनिस्ट के विधायक रहे हो, 25 साल यहाँ कांग्रेस के विधायक रहे हैं, किसी ने भी लेने का काम नहीं किया। तो ये हम लोगों के लिए बहुत बड़ा सवाल है और इसी सवाल पर हम लोग बीरपुर विधानसभा में चुनाव लड़ रहे हैं। बिहार में समान स्कूल शिक्षा प्रणाली आयोग गठित हुआ था, जिसके अध्यक्ष प्रोफेसर मुजफ्फर दुबे थे, डॉक्टर अनिल सदगोपाल, ये तमाम टीमों का सिफारिश आया 8 जून 2007 को। बिहार सरकार के नीतीश कुमार जो मुखिया थे उनको यह रिपोर्ट सौंपा गया, लेकिन उसे भी रद्दी के टोकरी में फेंक दिया गया। आपको मालूम है किसी बिहार विधानसभा के अंदर भी बंदोपाध्याय कमेटी गठित की गई भूमि सुधार को लेकर के, और भूमि सुधार का रिपोर्ट है कि लगभग 20 लाख परिवार यहाँ लैंडलेस है और इनको भूमि नहीं मिलता। आइए मैं फिर से एक बार बीरपुर की तरफ आपको मुखातिब करता हूँ। बीरपुर से भागलपुर जाने के लिए महादेवपुर घाट तक रेल चला करती, लेकिन पिछले 35 सालों से वो रेल बंद है। क्या यहाँ के विधायक, क्या यहाँ के सांसद कभी इसको सवाल नहीं किए? जबकि लालू यादव रेल मंत्री रहे, जबकि नीतीश कुमार रेल मंत्री रहे, जबकि रामविलास पासवान रेल मंत्री रहे, और तमाम लोगों के प्रतिनिधि यहाँ से जीतते हारते रहे हैं, लेकिन किसी ने सुध लेने का काम नहीं किया। बीरपुर से लेकर के बिहारीगंज तक रेलवे का जमीन एक्वायर किया गया है, लेकिन आज तक उस पर काम नहीं हुआ है। बीरपुर इस विकास का दंश झेल रहा है। बीरपुर क्यों मैं बीरपुर का बार बार बात कर रहा हूँ? बीरपुर ने आजादी के आंदोलन में अपना बलिदान दिया, यहाँ पे बलिदानी देने वाले फौजी मंडल हुए। सिर्फ बलिदानी नहीं दे, अंग्रेजों को उसने भी मारने काटने का काम किया। यहाँ महात्मा गांधी आए, इन्होंने अहिंसा का पाठ पढ़ाया, देश का सबसे लंबा सत्याग्रह इस बीरपुर विधानसभा में चला। यहाँ विनोबा जी भी आए, लोहिया जी आए, जयप्रकाश जी आए, प्रोफेसर अब्दुल बारी आए, बलदेव सहाय, तमाम देश के बड़े नेतृत्वकारी लोग यहाँ आए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद यहाँ आए, बहुत उनको लाठी लगी पुलिसों का लगा, और यहाँ के लोग लगातार सत्याग्रह करते रहे। यहाँ तुरावली जैसे क्रांतिकारी हुए, छेदी मास्टर जैसे क्रांतिकारी हुए, बाला दास जैसे लोग क्रांतिकारी हुए जो सोशलिस्ट पार्टी से चुनाव लड़ते थे, कभी उन्हें जीतने नहीं दिया गया यहाँ के कांग्रेसियों के चाल से। आज फिर से सोशलिस्ट पार्टी यहाँ खड़ी है। बाला दास का मैं जिक्र कर रहा हूँ कि बीरपुर के अंदर जो आंदोलन चला उसमें सबसे ज्यादा दिन तक 6.5 वर्ष तक वो जेल जाने का काम किया। इसी बीरपुर में दशरथ महतो,
खुशरू मांझी तमाम लोग सनवर साहब पाणी खान लड्डू कुमार ये तमाम लोग शहीद हुए। लेकिन बिहपुर में जो रेलवे चला करती थी तो यहाँ लोको सेट था, यहाँ रेलवे का बड़ा यार्ड था, वो सब खत्म हो गया। रेलवे का माल गोदाम था वो खत्म हो गया। बिहपुर की जनता ठगी जा रही है, लगातार ठगी जा रही है। लेकिन जो सेक्युलरिज्म का बात करते हैं वो कहते नहीं 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 मुझे ही वोट दो नहीं तो फलाना जीत जाएगा। और वो जो सेक्युलरिज्म का बढ़ावा देता है वो हमेशा कहता है कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे मुझे वोट दो। इस देश के अंदर हम एक समतामूलक देश बनाना है जहाँ किसी प्रकार का अन्याय नहीं हो, और ये संविधान हमें हर चीज का रास्ता दिखाता है। किसी तमाम मुद्दों के साथ हम लोग बिहपुर विधानसभा का यह चुनाव लड़ रहे हैं और मुस्तैदी से लड़ रहे हैं और ठोस होकर के लड़ रहे हैं। हम चाहते हैं कि बिहपुर विधानसभा की जो आवाम है, जो जनता है, वो मजबूती के साथ इस बात पर विचार करे और इस पर अपना जो हम लोगों का चुनाव चिन्ह है, टॉर्च चुनाव चिन्ह है, ईवीएम के पांचवे क्रमांक पर हम है। लेकिन ठीक इसी वक्त हम देश के बुद्धिजीवी पत्रकार से कहना चाहते हैं कि सिर्फ आप बड़े बड़े दल वालों को ही ना दिखाएं। एक जो प्रयोग चल रहा है, तमाम जो प्रेस के लोग हैं उनसे निवेदन करते हैं कि आप एक विधानसभा आइए और सोशलिस्ट पार्टी के कार्यकर्ताओं से मिलिए और अपने सवाल को हम लोगों के बीच रखिए और हमसे सवाल का जवाब लीजिए। और ये हम अपील के साथ फिर एक अंतिम बात कहते हैं कि बिहपुर विधानसभा का जो यह चुनाव है आम जनता के सहयोग से, आपके सहयोग से हमने फेसबुक पर अपील किया है कि आप हमें आर्थिक मदद करें। हमने व्हाट्सएप पे लोगों को भेजा है, अकाउंट नंबर दिया है। हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष संदीप पांडे जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पन्नालाल सोरेन जी, तमाम पार्टी के जो लोग हैं सभी लोगों ने एक अपील जारी किया है। भाई राजीव यादव जी ने अपील न्याय मंच की तरफ से किया है, रिंकू यादव न्याय मंच की तरफ से, सामाजिक न्याय आंदोलन की तरफ से, कि बिहपुर में जो एक प्रैक्टिस चल रहा है उस प्रैक्टिस पर आप लोग सहयोग करें, चुनाव प्रचार करने आए, चुनाव में अपनी सहभागिता दें और एक नए मॉडल को, एक नए बिहार बनाने का, देश के अंदर एक नई जनक्रांति लाने का जो चेतना विकसित हुई है उस पर अपना समर्थन दें। बहुत बहुत धन्यवाद। आग्रह करेंगे भाई राजीव यादव। प्रीतम जी, आज हम लोग बैठे हैं और बातचीत वार्ता कर रहे हैं और चूंकि ये पूरा सवाल जो हम लोग बिहपुर में आखिर में ये जो बात है कि प्रयोग क्यों कर रहे हैं, बिहपुर बिहार की एक छोटी सबसे छोटी विधानसभा और गंगा और तुलसी के बीच में और सिर्फ गौतम प्रीतम का यहाँ चुनाव लड़ना सिर्फ और सिर्फ बिहपुर का सवाल नहीं है बल्कि इसके साथ ही जो SC ST एक्ट जो कमजोर किया गया अप्रैल 2018 में, वहां 2 अप्रैल को जो बीपुर के जो साथी गौतम प्रीतम है, जब सवर्ण आरक्षण और 13 पॉइंट रोस्टर जब सुप्रीम कोर्ट ने इसको कहा तो उस पर भी आंदोलन किया और नागरिकता आंदोलन जो सबसे बड़ा आंदोलन कहा जा सकता है इस दौर का, और मैं कहूंगा इस दौर का ही नहीं, अगर आजादी के बाद के सब आंदोलनों में देखा जाए, चाहे जीवी आंदोलन चाहे अन्ना आंदोलन की बात करते हैं, लेकिन जिस बड़े पैमाने पर हिंदुस्तान में आवाम सड़कों पर खड़ी हो गई वो इस दौर में फांसीवाद के खिलाफ खड़ी हुई। तो उस दौर में हम लोग इस दौर में इस बात को बात कर रहे हैं कि हम क्या आखिर में इस मॉडल के तहत हम गौतम प्रीतम को सिर्फ और सिर्फ बिहपुर के विकास की बात नहीं कर रहे हैं बल्कि हम हम इस बात को लेकर कर रहे हैं कि 2 अप्रैल 2018 के उस आंदोलन, चाहे नागरिकता आंदोलन, चाहे सवर्ण आरक्षण 13 पॉइंट रोस्टर के आंदोलन, इन आंदोलन का जो साथी है, सड़क का साथी है, उस सदन में पहुंचे और बिहपुर के विकास के लिए अपनी बात रखे। हमारे बीच में लुगना जी हैं, संदीप पांडे जी हैं, पन्नालाल सुराना जी हैं। हम चाहेंगे कि संदीप पांडे जी इस प्रेस वार्ता को संबोधित करें। संदीप जी अपने आप को एडमिट कर लीजिए।
अनम्यूट कर लीजिए। मेरा सुझाव ये है कि पहले पन्ना लाल जी अपनी बात रखें, फिर लुगना जी रखें, फिर मैं रखूंगा। तो विलास भाई, पन्ना लाल जी का माइक ऑन कीजिए और उनको बोलने का मौका दीजिए। पन्ना लाल जी, अगर पन्ना लाल जी तक मेरी बात आ रही है तो जरा अपना माइक ऑन करके अपनी बात रखिए। हाँ ठीक है। हाँ संदीप जी, जी जी हाँ, मैं आप बोल रहा हूँ। जी जी बोलिए। परसों हमने प्रधानमंत्री जी का बिहार चुनाव संबंधी भाषण सुना, बहुत बहुत ही कड़वा लफ्जों में उन्होंने विरोधी दलों पर आलोचना की बरसात बौछार की। क्यों इतने घबराए हैं मुझे समझ में नहीं आता है। विरोधी दल देश के सच्चे नागरिक है, उन्हें देश के दुश्मन कहना यही गद्दारी का बड़ा लक्षण माना जाता है। मोदी जी को मैं कहूंगा, जरा होश में आओ, ठीक से बात करने का तमीज रखो। सोशलिस्ट पार्टी के उम्मीदवार, वहां आपके सामने अभी उन्होंने अपनी बात रखी है, गौतम कुमार, एक होनहार नौजवान लड़का, गत 8-10 साल से आदर्शवादी भूमिका लेकर देहात देहात में घूमकर किसानों के सवाल, महिलाओं के सवाल, जो मेहनत कश महिलाएं हैं उनकी जो भी दिक्कतें हैं उनके बारे में गौतम जी लगातार कुछ न कुछ आंदोलन करते आए हैं। सरकारी आला कमान को मिलकर के कुछ शिकायतें पेश करते हैं, सुझाव देते हैं। तो ऐसे होनहार युवा को बिहार विधानसभा में जाने का मौका वहां के मतदाता दे, ऐसा हमारा उन्हें बड़ा नम्र आग्रह है। सोशलिस्ट पार्टी आप लोग तो जानते ही होंगे, बिहार में खासकर कर्पूरी ठाकुर जी ने एक नया ही जमाना शुरू कर दिया था। कई तरह के पिछड़े लोगों के सवाल हल करने की दिशा में बड़े ठोस कदम कर्पूरी जी ने उठाए थे। उसी राह पर चलने वाला ये हमारा होनहार साथी है गौतम कुमार। आज हम देख रहे हैं किसानों के बारे में, ये भारत सरकार को क्या हो गया, प्रधानमंत्री को क्या हो गया, हमारे समझ में ही नहीं आता है। खेती ये विषय ये राज्य सरकारों का है, अपने संविधान में साफ लिखा है कि खेती के मामले में कानून बनाने का अधिकार राज्यों के विधानसभा को है, और इन्होंने लोकसभा में और राज्यसभा में 3 कानून पारित कर दिए, और उसके कारण क्या किया है, तो किसानों को कॉर्पोरेट के सामने फेंक दिया है। कॉर्पोरेट अपने दलालों के मार्फत किसानों से एग्रीमेंट करवा ले, इतने इतने दामों में हम आपको इतना इतना माल देंगे। अरे भाई, किसान इतना हैरान रहता है, प्रकृति की इतनी मार उसको झेलनी पड़ती है, कभी बहुत ज्यादा बरसात हो जाती है, कभी बाढ़ आ जाती है, वो अपना जो भी एग्रीमेंट होगा उस अनुसार कैसे काम कर सकेगा। उनको एग्रीमेंट में फंसाना, मुझे याद आता है एग्रीमेंट लव्स, दक्षिण अफ्रीका में ये अपने यहाँ के मजदूर ले गए थे गोरे लोग, क्यों, वहां खेती करने के लिए, और उनसे एग्रीमेंट करवाया था जिसे आगे चलकर गिरमिटिया का नाम प्राप्त हो गया था। ये नए गिरमिटिया तैयार करने का काम ये मोदी जी कर रहे हैं और नीतीश जी उनको साथ दे रहे हैं, बहुत गलत काम कर रहे हैं वे। चाहिए बिहार के लिए क्या, खेती के लिए बड़े अच्छे कदम उठाए जाए, ठीक से प्रबंध किया जाए, किसानों को समय पर कर्जा मिले, किसानों को बाजार तक
अपना माल ले जाने का प्रबंध किया जाए और किफायती दाम से उनका माल खरीदा जाए, इस दिशा में कदम उठाने का काम अभी तक नीतीश जी ने नहीं किया, ये बड़ी दुख की बात है। इलाज यही है कि मतदाता अब बहुत होशियार हो जाए, समझदार हो जाए, बहुत सोच समझ करके उन्हें चाहिए कि अच्छे नौजवान उम्मीदवार उनको चुन करके विधानसभा में भेजना चाहिए। और इस दृष्टि से हमारा साथी गौतम इसको वहां के थाना बिहपुर के मतदाता चुने और बिहार के अन्य सब हमारे मित्र खासकर पत्रकार ये उन्हें पूरी सहायता दे, ये अपना अभियान चलाने के लिए आप तो जानते ही हैं हमारे पास साधन बहुत कम होते हैं, लेकिन बड़ी हिम्मत से हमारे नौजवान साथी काम कर रहे हैं, तो उनका हौसला बढ़ाने के लिए अन्य सभी लोग उन्हें पूरे तरह से सहायता दे, मदद दे और चुनाव जीतने के लिए हर तरह का सहायता देने का काम सब लोग करें, ऐसी मेरी प्रार्थना है। शुक्रिया पन्नालाल जी। जी धन्यवाद, बहुत बहुत मैं अपना माइक ऑफ कर लीजिए पन्नालाल जी, और अब लुबना जी को बुलवाइए राजीव भाई। शुक्रिया पन्नालाल जी। पन्नालाल जी ने अभी बहुत महत्वपूर्ण बात रखी, गिरमिटिया मजदूर पूरा पूर्वांचल से लेकर बिहार तक पूरा जो है ये पूरा फैला हुआ है, और आज लॉकडाउन में खासतौर पर कोरोना के दौर में हमने देखा कि गिरमिटिया मजदूरों की जो हालात है वो उस दौर के गिरमिटिया मजदूरों की याद दिला दिया, जब यहाँ से उनको ले जाकर के उनका शोषण उत्पीड़न किया गया। और ये मजदूरों की जो औलादे हैं बेसिकली पूर्वांचल और बिहार में आप देखा जाए तो यहाँ पर किसानों की औलादों से ज्यादा यहाँ पर मजदूरों की औलादे हैं, यहाँ नरेटिव चेंज हो जाता है। इसीलिए आप देखेंगे वेस्ट यूपी हरियाणा या राजस्थान मध्य प्रदेश के जो बॉर्डर है दिल्ली के रेंज के, उसके पहले उस तरह का किसान आंदोलन इस बेल्ट में नहीं है, बल्कि मजदूर आंदोलन इस बेल्ट में है, बल्कि जबकि ये क्योंकि ये जो पूरा क्षेत्र है ये मजदूर आंदोलन का सेंटर है। तो ऐसे सेंटर में गौतम प्रीतम भाई लॉकडाउन के दौर में लगातार न सिर्फ यहाँ पर उनकी मदद करते रहे, बल्कि पन्नालाल सुराना संदीप जी और तमाम साथियों के सहयोग से लुधियाना दिल्ली पंजाब तमाम जगहों पर जो महाराष्ट्र में मजदूर साथी बिहार के बिहार के जो तमाम साथी थे उनकी मदद किए, हैदराबाद में जो किए बता रहे थे, और 58 दिनों तक लगातार इन्होंने बीपुर में 2500 लोगों को जो है राहत सामग्री वितरित करने का कार्य किया। तो मैं इसी कड़ी में इस गिरमिटिया मजदूरों की जो जो तमाम सवाल है और खास तौर पर जो बिहार में इस दौर में सबसे बड़ा सवाल है कि जो अति पिछड़ा और महादलित का कि उनके घर ही नहीं है, उनके आवास ही नहीं है, उनके पास रहने के लिए जगह नहीं है। और आज जब एक बार दौर में बात हो रही है कि यहाँ से मजदूर पलायन करके फिर से महाराष्ट्र दिल्ली हैदराबाद जा रहा है, तो सवाल उसकी जमीन का है कि किसके पास यहाँ पर जमीन नहीं है, और यहाँ पर जमीन के भी आंदोलन बिहार में बड़े पैमाने पर सक्रिय रहे हैं और लगातार गौतम प्रीतम भाई भी लगातार जमीन के आंदोलनों को करते रहे हैं। तो इसी कड़ी में मैं हैदराबाद से हमारे बीच में लुबना जी हैं, मैं डॉक्टर लुबना जी को आमंत्रित करता हूँ, आए अपनी बात रखें। डॉक्टर लुबना जी। हाँ, सबको आदाब हैदराबाद से, और हमारी आवाज आ रही है? हमारी आवाज आ रही है? हाँ ओके। तो हमारे अध्यक्ष जो पन्नालाल जी अभी जो बताए उनकी हर बात से हम सहमत हैं और उसको हम एंडोर्स करते हुए हम आगे बात बढ़ाते हैं कि बिहपुर के जो लोग हैं, बिहपुर के जो मतदाता हैं, उन सबसे हमारा ये अनुरोध है कि वो संविधान, केवल संविधान को बुनियाद बना के जो आगे उनको जो काम आएंगे, आगे उनकी जो खिदमत में रहेंगे, ऐसी पार्टी है जो सोशलिस्ट पार्टी इंडिया, उस पार्टी के उम्मीदवार गौतम कुमार प्रीतम को वो अपना मतदान दे और उनको जितवाएं, ताकि आपके बिहपुर संविधान में आप वो चीज देखें जो आप पहले नहीं देख पाए।
यानी कि आपको वहां पर भ्रष्टाचार से विमुक्त आपको वहां पर एक माहौल मिलेगा ब्रेपुर में, और आपको संविधान के तहत जो जो भी हकूक है वो सभी मिलेंगे, और आपको ऊपर से कम्युनल यानी कोई मतभेद की भावना के बगैर आपस में प्रेम से आपस में एक तरीके से जो भरोसे की भावना वहां पर फैलाने की जो काम गौतम प्रीतम कुमार सोशलिस्ट पार्टी की तरफ से रहेंगी वही आपको दिखाई देगा। तो इस प्रकार से बेपुर में जो जो भी अभी है यानी कि आपको वहां पर तरक्की के लिए ये नहीं कहा जाना चाहिए कि वहां पर बड़े बड़े मॉल्स और बिल्डिंग्स आने चाहिए। तरक्की का ये मतलब है कि हर किसी की वहां पर खुशहाली होनी चाहिए, वहां पर जान और माल की सुरक्षा होनी चाहिए, खुद में अंदर से एक भावना होना चाहिए कि मेरी यहाँ पर पूरी वैल्यू है और डिग्निटी है और इज्जत है। अभी हाल ही में हम देखें कि इन्हीं चीजों की कमी भारत देश में और हर जगह में वैसे ही बिहार में भी हुई है कि यहाँ पर हमको एम्प्लॉयमेंट की संविधान से एम्प्लॉयमेंट की गारंटी है, ये स्टेट गवर्नमेंट की जो उनकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हर किसी को लाइफ ऑफ डिग्निटी दे, वो संविधान में लिखा हुआ है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में, लेकिन सरकार ने कभी इस तरफ तवज्जो नहीं दी, बल्कि आपके बिहपुर के एमएलए ने भी इस तरफ कभी तवज्जो नहीं दी। तो ये जो हमारे युवा यहाँ से खड़े हुए हैं गौतम कुमार प्रीतम, ये बराबर इन मुद्दों पे वो बराबर उस पर ही बैठे रहेंगे आने के 5 साल में, वो बराबर हर किसी की उनके पास रजिस्टर रहेंगी, उनके पास ऐसा नहीं कि जो मत दे और मत ना दे, सब एक बराबर रहेंगे उनके लिए, और एम्प्लॉयमेंट की जो टॉप प्रायोरिटी रहेंगी, और ऐसा नहीं कि एम्प्लॉयमेंट यानी जॉब्स ही बल्कि जो कोई एंटरप्राइज खड़ाना चाहते उनके लिए बराबर फोकस रहेगा, और इंटरेस्ट फ्री लोन्स कहाँ तक दिया जा सकेगा उसको जरूर बढ़ाएंगे, क्योंकि हमारी सोशलिस्ट पार्टी इंडिया पूरी उत्तर प्रदेश में उपाध्यक्ष संदीप जी के तहत में काफी इंटरेस्ट फ्री लोन्स दे रहे हैं ऐसे एंटरप्राइजेस के लिए। तो यहाँ बिहपुर में हम वही चीज लाएंगे, और यहाँ पर जो टॉयलेट्स की व्यवस्था है, और जो खास करके सोशलिस्ट पार्टी की एक विशेषता है कि वो औरतों को और खवातीन को बहुत आगे बढ़ाने की कोशिश में रहते हैं। तो बिहपुर में हमारे जो उम्मीदवार है गौतम कुमार प्रीतम सोशलिस्ट पार्टी की ओर से, हम ये भी आपको आश्वासन दिलाते हैं कि आपके कॉन्स्टिट्यूएंसी में जितने भी वार्ड कमिटीज है, जितने भी एरिया सभा है, अपने संविधान के तहत में ये कंपलसरी है, लेकिन आपने देखा होगा कि आपकी जो बिहपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी में ऐसा कोई मीटिंग नहीं होता है, बल्कि एक्चुअली संविधान के तहत में आपको वहाँ की मीटिंग सब लोगों को हर वार्ड में मीटिंग बुलाना चाहिए, कमिटी को बिठाना चाहिए, एरिया सभा को बिठाने चाहिए, और आवाम की लोगों की जो तकलीफ है उनकी और परेशानी है वो उसमें हाजिर करेंगे, क्योंकि लोगों को मालूम रहता है कि उनकी क्या जरूरतें हैं, तो उन जरूरतें के हिसाब से वार्ड कमिटी में बजट बनेंगे, फिर जाके वो बजट वो पंचायत में हो या म्युनिसिपैलिटी में हो, वो सब उस तरीके से संविधान के तहत में बिल्कुल एकदम सफाई के साथ में और खुलेपन यानी ट्रांसपेरेंसी के साथ वहां पर हर चीज होगा। तो ये काफी चीजों को ऐसी एक नई जोश लेके, नई एक बुनियाद बना के बिहपुर संविधान के सिर्फ एमएलए नहीं बल्कि बिहपुर संविधान का हर मतदाता, हर सिटीजन, वहां का हर आदमी, हर शख्सियत की इज्जत रहेंगी, और बिहपुर के संविधान के जो एमएलए उम्मीदवार खड़े हैं गौतम कुमार, उनकी जो लाइफस्टाइल रहेंगी वो बराबर वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोगों की लाइफस्टाइल के बराबर मिलजुल कर मिलाते हुए वो अब काम आगे लेके जाएंगे। इन चीजों की, कई चीजों की एक नई रंग है, नई चीजें हैं, नई सोच है, नई विचार है, ऐसी जो खुलापन है यानी बगैर कोई भ्रष्टाचार के, बगैर कोई मत भेदभाव यानी कम्युनलिज्म के, और एकदम ट्रांसपेरेंसी से संविधान के तहत में आपको एक ऑनेस्ट गवर्नेंस यानी एक सच्चाई के साथ जो हम गवर्नेंस दिलाना चाहते हैं वो सोशलिस्ट पार्टी की ओर से आपको हम हमारे उम्मीदवार गौतम कुमार प्रीतम के जरिए हम बिहपुर को एक बहुत अलग, एक भरपूर तरह की एक कॉन्स्टिट्यूएंसी देखना चाहते हैं, वहाँ के हर हर महिला, हर युवा, हर पुरुष, हर बच्चा
हर किसी के लिए हर जरूरत की जो चीजें हैं, जो कमी है आज के दिन, वो नहीं होना चाहिए। आपको आपके हक मिलना बहुत जरूरी है। लिहाजा हम वहाँ के हर हर मतदाता से हम अनुरोध करते हैं, आप जो सुन रहे हैं, आप कई लोगों को जाके बताइए कि ये चीज जो नयापन है इसको हमारे लिए लाना जरूरी है। आप एक अपना मत को देख के किसी को वोट नहीं दीजिए, किसी की रिलीजन या कैस्ट के बुनियाद पे वोट मत दीजिए, किसी के पैसों को देख के उस बुनियाद पे वोट मत दीजिए, किसी की पावर गेम को देख के उस बुनियाद पे मत वोट दीजिए। आप सिर्फ उस पार्टी की किरदार देखिए, उस कैंडिडेट उम्मीदवार की किरदार देखिए और सिर्फ उसी बुनियाद पे आप वोट दीजिए। आप भरपूर को भरपूर करेंगे, आप देश के लिए एक बहुत बड़ी कदम सामने लाएंगे, वो उस कदम हम भरपूर से देखना चाहते हैं। बहुत शुक्रिया। लुप्ता जी ने बहुत महत्वपूर्ण बात रखी कि संविधान में जो प्रदत्त अधिकार है, यहाँ तक कि रोजगार की बात जो हमारे देश में बात होती है, तो गौतम भाई ने चूंकि ये बीटी मंडल की बिहार धरती है और मंडल कमीशन पे बहुत सारी सिफारिशें अभी पूरे लागू नहीं हुई, मात्र ओबीसी का आरक्षण 27% और शिक्षा में आरक्षण जो है, इसके अलावा चाहे भूमि के कार्यकारी सुधार का सवाल हो, चाहे कामगारों के रोजगार का सवाल हो, ऐसे तमाम सवालों को लेकर गौतम भाई लगातार मंडल उच्च आयोग की सिफारिशों को लागू करने के लिए भी बिहार में सक्रिय रहते हैं। यहाँ तक कि बाबू जगदेव राज कुशवाहा ने कहा था कि अब की सावन भादों में गोरी कलैया कादों में, मतलब कि अब की सावन भादों में जो जो हमारी जब सवर्ण और अवर्ण सवर्ण की महिलाएं जब तक रोपनी नहीं करेंगी तब तक इस देश में लैंगिक समानता नहीं आ सकती है। उस लैंगिक समानता के लिए भी लगातार गौतम प्रीतम भाई लगातार भीतपुरी नहीं पूरे बिहार में सामाजिक न्याय आंदोलन और तमाम आंदोलनों के साथ सक्रिय रहते हैं। हमारे बीच में संदीप पांडे जी हैं, मैं संदीप पांडे जी से आग्रह करूंगा, संदीप पांडे जी अपनी बात। जी बहुत बहुत धन्यवाद। आवाज आ रही है ना? ठीक। तो मुझे बहुत खुशी है कि आज हम इस मुकाम पे पहुंचे हैं कि हमारे एक साथी विधानसभा चुनाव में न सिर्फ लड़ रहे हैं बल्कि लड़ाई में हैं, और हमें ऐसी पूरी उम्मीद है कि वो बिहार की विधानसभा में पहुंचेंगे। सोशलिस्ट पार्टी इंडिया के एकमात्र उम्मीदवार हैं पूरे बिहार चुनाव में, लेकिन हम ये स्पष्ट कर दें कि सोशलिस्ट पार्टी क्यों ये चुनाव लड़ रही है और गौतम कुमार प्रीतम क्यों हमारे उम्मीदवार हैं। वैसे तो बिहार में बहुत सारे समाजवादी विचारों को मानने वाली पार्टियां हैं, जैसा बताया गया पिछड़ों और दलितों के लिए सामाजिक न्याय की लड़ाई के नाम पे, चाहे वो लालू प्रसाद यादव हों, नीतीश कुमार जी हों, रामविलास पासवान जी हों, ऐसे बड़े बड़े नेता हाल के दिनों में बिहार की राजनीति में सक्रिय रहे हैं, लेकिन अगर उनका हश्र देखा जाए तो एक तरफ नीतीश कुमार जी सांप्रदायिक ताकतों के साथ गठबंधन करके सरकार चला रहे हैं और इस दौर में सांप्रदायिक राजनीति को निश्चित रूप से बढ़ावा मिला है, और दूसरी तरफ समाजवाद के नाम पे परिवारवाद हावी है, तो उनसे भी जनता को कोई बहुत ज्यादा उम्मीदें नहीं है। हम लोग समाजवाद की विचारधारा का चिराग जला के इस चुनाव के मैदान में हैं, और इत्तेफाक से जो चिराग का जो वर्तमान एक स्वरूप है बैटरी, वो हमारे गौतम कुमार प्रीतम जी का चुनाव चिन्ह है। तो हम इस बात ये रोशनी लेके निकले हैं कि जो समाजवाद की जो विचारधारा थी जिसमें कि गैर बराबरी को समाज से खत्म करने का एक संकल्प लिया गया था, उस संकल्प को हम आगे बढ़ाएं। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, कर्पूरी ठाकुर और ऐसे तमाम जो दिग्गज नेता जिन्होंने समाजवाद का बीज बोया इस धरती पे, वो उसका लाभ जनता को आखिर आज तक क्यों नहीं मिला, ये सवाल हम लोग खड़ा कर रहे हैं। और विभिन्न किस्म की जो गैर बराबरियां हैं, जो सामंती अवशेष हैं हमारी जातिवादी व्यवस्था के, वो अभी दिखाई पड़ते हैं। अपराध का अभी भी बोलबाला है, हम देख रहे हैं कि दूसरी पार्टियां
अपराधियों या उनके परिवार के सदस्यों को टिकट दे रही है चुनाव लड़ने के लिए, और जो जनता का मुद्दा है वो चुनाव से गायब है। बहुत कृत्रिम किस्म के मुद्दे, सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या से लेके और दूसरे तरह के मुद्दे चुनाव के समय में उठा दिए जाते हैं। बिहार में हमारे प्रधानमंत्री, जैसा कि बताया हमारे पन्ना लाल जी ने, वो भी पहुंचते हैं चुनाव लड़ने के लिए, क्योंकि भाजपा का कोई मुख्यमंत्री का चेहरा होता नहीं, तो प्रधानमंत्री और हमारे गृह मंत्री ही वहां पे भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई करते हैं। लेकिन वो भी, अभी हमारे प्रधानमंत्री ने कहा कि अनुसूचित जाति जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग का आरक्षण उनके कार्यकाल में बढ़ गया। अब हमारे प्रधानमंत्री ऐसी बातें बोल देते हैं जिसकी पुष्टि करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। जब उसके आरक्षण का प्रतिशत तय है पहले से, मुझे बताए कोई कि भारतीय जनता पार्टी ने कोई आरक्षण की व्यवस्था की हो सिवाय सामान्य वर्ग के गरीब लोगों के लिए। मुझे तो नहीं लगता कि उन्होंने अनुसूचित जाति जनजाति और पिछड़ा वर्ग के लिए कुछ किया हो, बल्कि मुझे याद है पिछला बिहार का चुनाव जिसमें मोहन भागवत जी ने कह दिया था कि वो आरक्षण को खत्म करेंगे, और उसके बाद नरेंद्र मोदी को चीख चीख के कहना पड़ा था कि नहीं, जब तक वो जिंदा रहेंगे तब तक आरक्षण खत्म नहीं होगा। लेकिन ये साफ दिख रहा है कि ये जो सरकार केंद्र में है वो कहती कुछ है करती कुछ और है। तो बजाय देश के जो कमजोर सामाजिक आर्थिक रूप से तबके हैं उनके आरक्षण को और मजबूत करने के लिए या कोशिश करने के लिए कि जो उनको एक व्यवस्था है संविधान के तहत उसका पूरा लाभ मिले, उन्होंने सामान्य वर्ग के गरीब लोगों के आरक्षण की व्यवस्था की, तो एकदम उल्टी बात वो बोल रहे हैं। और इस पे सवाल खड़ा किया जाना चाहिए कि जनता को भ्रमित करके वो जो अपनी राजनीति करते हैं, और कोरोना के टीके की बात भी इसी बीच में हो गई है, जबकि अभी कोई ऐसा लक्षण नहीं है कि टीका बहुत जल्दी आने वाला है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की वैज्ञानिक स्वामीनाथन कह रही हैं कि जनवरी के पहले कोई टीका नहीं आएगा, लेकिन जनता को भ्रमित करना और उसको बेवकूफ बना के जिस तरह से राजनीति की जा रही है बिहार के अंदर, हम इसके विकल्प में एक ईमानदार कोशिश जनता के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, और हमारा वादा है कि जब तक सोशलिस्ट पार्टी ये सक्रिय रहेगी, चाहे वो चुनाव जीते या हारे इससे कोई मतलब नहीं है, ये सोशलिस्ट विचार की पूरी परंपरा है। अभी हाल में ही महात्मा गांधी के पोते गोपाल कृष्ण गांधी ने सोशलिस्ट विचार के ऊपर लेख लिखा, और उन्होंने कहा कि सोशलिस्ट नेता ऐसे होते हैं जो जिनका विचारों के प्रति जिनकी इतनी प्रतिबद्धता होती है कि उन्होंने कभी इस बात की परवाह ही नहीं की कि वो कोई पद हासिल करें, लेकिन अपने विचार के लिए वो लड़ने मरने को तैयार रहते हैं और अपना पूरा जीवन उसके लिए समर्पित कर देते हैं। तो उसी धारा को आगे बढ़ाते हुए गौतम कुमार प्रीतम जी यहाँ चुनाव मैदान में है, और हम उम्मीद करते हैं कि उनके विधानसभा में पहुंचने से जो बिहार और देश की राजनीति जनपक्षीय मुद्दों से भटक गई है, कृत्रिम मुद्दों पर राजनीति हो रही है या भावनात्मक मुद्दों पर राजनीति हो रही है, देश को सांप्रदायिकता के में देश में सांप्रदायिकता का जहर घोल के एक जो हिंदू राष्ट्र की तरफ जो बढ़ाने की तैयारी है, वहां से वापस लाके और वापस जो संविधान में जो हमारे मूल्य स्थापित हैं उसकी ओर राजनीति को ले जाने का काम गौतम कुमार प्रीतम करेंगे। और चाहे वो सरकारी योजनाओं का लाभ हो, कल्याणकारी योजनाओं का लाभ हो जो अभी भी पूरे देश में और बिहार में भी लोगों तक नहीं मिलता है, जो गरीबी का प्रमुख कारण है, लोगों के जो सामान्य अधिकार हैं, मौलिक अधिकार हैं, वो लोगों को नहीं मिलते हैं, इसलिए हमारे देश में अभी भी पिछड़ापन है, लोग अपने अधिकारों से वंचित हैं, तो उन सब अधिकारों को दिलाने का काम भाई गौतम कुमार प्रीतम करेंगे, और जनता की आवाज बन के विधानसभा में ये कोशिश करेंगे कि सरकार की जो नीतियां हैं, चाहे कोई भी सरकार हो, वो कम से कम जनपक्षी हो,
वो जैसा पन्ना लाल जी ने कहा इस तरह की नीतियां ना बने जो निजी कंपनियों को फायदा पहुंचाने वाली या जो जो अन्य निहित स्वार्थ वाले तत्व हैं उनको फायदा पहुंचाने के लिए वो नीतियां बने। तो इन्हीं बातों के साथ हम सोशलिस्ट पार्टी इंडिया की तरफ से हमारे साथी गौतम कुमार प्रीतम को ये शुभकामना देते हैं कि वो जनता की आवाज बनके विधानसभा में पहुंचे और बिहार से इस पूरे देश से गैर बराबरी को संकल्प गैर बराबरी को खत्म करने का जो संकल्प है सोशलिस्ट पार्टी का जो अभी पूरा नहीं हुआ है उस संकल्प को आगे बढ़ाने का काम करें और पूरी शासन और प्रशासन की व्यवस्था का रुख जो है उसको जनता की तरफ मोड़े। हम उम्मीद करते हैं कि इस काम में हम सफल होंगे और गौतम कुमार प्रीतम जी बिहार में इस काम की अगुवाई करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अपना माइक खोलिए राजीव। संदीप जी ने बहुत महत्वपूर्ण बात रखी कि अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो इस बात को कहा कि आरक्षण को लेकर उनका कितना विशाल हृदय है और इस विशाल हृदय का ये रहा मामला कि 13 पॉइंट रोस्टर या सवर्ण आरक्षण इसी देश में मोदी काल में हुआ और SC ST एक्ट को जो कमजोर करने का प्रयास किया गया तो गौतम भाई उसके खिलाफ संघर्ष करते हुए 3 महीने जेल भी रहे और वो रिजर्वेशन जिस पर बार बार समीक्षा होती है कि रिजर्वेशन जिनको दिया गया है उनसे कैसे वापस लिया जाए इसकी समीक्षा की जाती है लेकिन जो अनरिजर्व जो जनरल कैटेगरी है वो कैसे इतने बड़े पैमाने पर तमाम संसाधनों पर तमाम जगहों पर वो काबिज है इसके बारे में कोई भी समीक्षा करवाने की बात सुप्रीम कोर्ट तक नहीं करता है। दूसरी तरफ एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि सोशलिस्ट पार्टी बिहार चुनाव में है और आप आज इस दौर में चले एजेंडे के साथ में है कि जब बीजेपी भी कह रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रूप में कहती है कि वो पिछड़ा है लेकिन वो भी बीजेपी ने यहाँ पर सबसे ज्यादा सवर्ण कैंडिडेट दिया है वहीं पर दूसरी पार्टी कांग्रेस ने भी सबसे ज्यादा सवर्ण कैंडिडेट दिया है जबकि बिहार में जो नैरेटिव होता है बात होती है वो अति पिछड़ा महादलित की बात होती है जिसके पास मकान नहीं है जिसके पास कोई रोजगार नहीं है ऐसे तमाम जो कार्य जो समाजवाद के पूरे एजेंडे में है जिनको भारत में लागू करना है उस एजेंडे के साथ दूसरी पार्टी गौतम प्रीतम के रूप में बीपुर से चुनाव मैदान में है। मैं चाहूंगा कि सभी साथियों ने बात रख ली है गौतम भाई अपनी बात अंत में इसको रखें और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को जिससे हम लोग कंप्लीट कर सकते। बस यही है सबकी निगाह है अपने अपने स्तर से बीपुर विधानसभा पर टिका है और यहाँ पर साधन संसाधन दिशा निर्देश तमाम लोगों को बताते रहे ताकि हम ना कि जो आवाम की आवाज है जो बिहार की आवाज है भले ही अनेक जगह से है डॉक्टर रामचंद्र या अकेले ही पार्लियामेंट में जाते थे तो पूरा का पूरा कांग्रेस को जवाब दे पोगे। हम उम्मीद करते हैं कि जब हम विधानसभा में पहुंचेंगे बिहार के 243 जगहों से 44 जगह से 243 में से 242 जगह से जो भी लोग आएंगे उनकी भी सरकार बनेगी बिहार के विकास पर उनसे सवाल पूछा जाएगा बिहार के न्याय पर सवाल पूछा जाएगा बिहार की शिक्षा पर सवाल पूछा जाएगा बिहार के स्वास्थ्य पर सवाल पूछा जाएगा कि आपने 30 साल में जो मंडल राज का बात किया जो सामाजिक न्याय का बात किया तो आखिर आपने इस बिहार को क्या दिया एक पलायनवादी बिहार या विकास या इस बिहार का विनाश। हमारा एक पर्चा है हम लोगों ने ये पर्चा जो है डाला है और ये पर्चा के साथ हमारे साथी है आप भी और इस पर्चा में जो हमने लिखा है कि मंदिर मस्जिद तुम्हारा सवाल रोजी रोटी शिक्षा हमारा सवाल हम इस नारा के साथ बिहार की जनता के साथ और विधानसभा की जनता के साथ अपील करते हुए जा रहे हमारे पास यही एक पर्चा है और हमने एक घोषणा पत्र बनाया है जो कल से हम क्षेत्र के अंदर बांटने का काम करें। ये बात समाप्त करता हूँ। शुक्रिया गौतम जी किसी और साथी को जो कॉन्फ्रेंस में हो उनको कोई बात पूछनी हो या रखनी हो तो हम
संदीप जी आपका माइक बंद है। नहीं, मैं कह रहा था कि फिर संपन्न किया जाए, मुझे नहीं लगता है कि कोई अभी सवाल है किसी का। अब आपका माइक ऑफ है, आपका माइक ऑफ है राजीव भाई। अब बोलिए। साथियों, एक अपील है कि सोशल पार्टी के उम्मीदवार गौतम प्रीतम सीमित संसाधनों में चुनाव लड़ रहे हैं, आप इनको तन मन धन से पूरा सहयोग करिए। जो भी कंट्रीब्यूशन के लिए एक अकाउंट इनका जारी हुआ है, सोशल पार्टी का अकाउंट जारी हुआ है, उस अकाउंट में आप यथासंभव मदद करके, सहायता करके, संविधान को बचाने की लड़ाई लड़ने वाले योद्धा को मजबूत करके बिहार में सदन में भेजने का कार्य करें। शुक्रिया।